देखोगे? ये नीचे जाके ये देखो अभी किसके लिए मजाक कर रहे स्पीड ब्रेकर। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। ये वाला सिर्फ टेस्टिंग के लिए चल रहा है, तो अपन देखते हैं आवाज़ कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही है, क्योंकि जो इसमें डेड कैट रहता है हेलमेट के अंदर, मतलब माइक में, तो वो कहीं घूम गया है, ठीक है ना। तो उसका मेरे को पता नहीं है किधर पे है वो, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेस्टिंग की आवाज़ कैसी आएगी, ठीक है, देखते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। अभी 3 बज रहे हैं और माइक से आवाज़ आ रही है, मेरे को लग रहा था बहुत हवा की आवाज़ आएगी, लेकिन उतनी नहीं आ रही हवा की आवाज़, तो काम तो हो जाएगा जब तक नया माइक ना आए, तब तक तो चलेगा। वो उसने थम्स अप कर गया, वेलकम टू द व्लॉग उसको भी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी अपन? अभी अपन जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने, क्योंकि मैंने इसको 42 किलोमीटर चला लिया जब से इसमें दिखाना शुरू हुआ कि पेट्रोल कम है, तो अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने। और लास्ट टाइम मैंने जब दिखाया था, मतलब मोटा व्लॉग बनाया था, तो कटनी की रोडों की हालत बहुत कचड़ा हो रही थी। अरे बाप रे, ये कटनी है कि लद्दाख? हेलो गाइस, वेलकम टू द एक्सपीरियंस ऑफ लद्दाख। तो अभी थोड़ी ठीक हो गई है, लाइक थोड़ी, इतनी सी ठीक हो गई बस, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, बस इतू सा फर्क पड़ा। और हाँ, ये मैंने नए ग्लव्स लिए, मतलब ये ग्लव्स मैंने लिए नहीं है, मैंने क्या नए शूज़ लिए थे वुडलैंड के, तो उसमें कुछ ऑफ़र था 1,000-1,500 रुपये का, तो उसमें ये वाले ले लिए मैंने। हाँ, जो मैंने कहा था ना सुधर गई है कटनी की हालत, ये सुधरी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं ना बीच में, लाइक मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं तो आराम से निकल जाता हूँ, बट ये बाकी जो लोग हैं ना इनको फ़र्क पड़ता है। आओ रुक जाए। नाइस जोक। ये देखो अभी किसके लिए मजाक कर रहे हैं स्पीड ब्रेकर्स? अरे पेट्रोल खत्म हो जाएगा, आराम से चलाना पड़ेगा। ला 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 ला। और ये बाप रे, क्या गड्ढा था बीच रोड में। यहाँ पे ऐसे ही होता है, यहाँ पे लोग ऐसे ही रॉन्ग साइड में आते हैं, उनकी रोड है यार, यहाँ क्या वो मार दो ये अपर डिपर, हाँ निकल जा, अरे आपकी रोड तो है। ये जो मोड़ बना के रखे हैं, ये तो इनके ऐसे ही बना के रखे, वो एक्स्ट्रा पैसे थे तो उनने मोड़ बना दिए, नहीं नहीं पैसों की कमी पड़ गई थी तो उनने मोड़ बना दिए बीच बीच में। कुमकुम साड़ीज, देखो इनका भी रेड सिग्नल है, लेकिन ये लोग तो जा रहे हैं यार, तो हम क्यों खड़े हैं, हम भी चलते हैं। अपन तो मस्त ऐसे खड़े हो गड्ढों के ऊपर से गुदाते हुए चलाओ, क्या मजा आता है यार ऐसी सैडलिंग करने में, क्यों ये ये मस्त हो रहा, कितना मजा आता है इसको चलाने में, मैं तो इसी में तेरे मजे कर लेता हूँ। जब मैं सोचता हूँ, जब मैं बाइक लूँगा कोई सी अच्छी सी S1000RR या फिर ZX10R वगैरह, कोई सी स्पोर्ट्स बाइक मतलब, तो मैं क्या करा करूँगा, मतलब ये मेरा गोल है ये करना, मैं रात में निकाला करूँगा बाइक, उसमें लगवाऊँगा मैं कौन सा SC प्रोजेक्ट फुल सिस्टम टाइटेनियम एग्जॉस्ट, उसको निकाला करूँगा मैं रात में सबके सो जाने के बाद, और फिर पूरी कॉलोनी में सबको उठाऊँगा, तब तो मज़ा आएगा भाई, तब तो मज़ा आएगा।
अभी काफी इस रोड में सो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह यार, यहाँ भी रोड बनने लगी। आज क्या हो रहा है? आज मैंने बोला रोड नहीं बन रही तो रोड बनने लगी। ऐसी कुछ और मांग लिया होता मैंने, कहाँ रोड बनने का मांगा। रोड तो बनती रहेगी जिंदगी भर। इनको लगा होगा ये आने वाला है, ब्लॉग बनाएगा, ये अपन की बुराई कर देगा। अपन शुरू तो कर दें, भले ही कल अपन रुक जाएंगे, कल से अपन नहीं करेंगे काम। आज शुरू कर दे तो उसको लगेगा कि यहाँ बन रही है रोड। हम आ चुके हैं, कहाँ आ चुके हैं अपन? ये अपन आ चुके हैं हाईवे पे। कहाँ से आप सीधा सीधा चले आओ, सीधा सीधा, बिल्कुल कहीं मत मुड़ना, सीधा सीधा चले आओ और बहुत आगे जाके एक बोर्ड आएगा लेफ्ट में, वहाँ मुड़ जाना, आप जबलपुर पहुँच जाओगे। और आप सीधा सीधा चले आओ, सीधा 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 नागपुर पहुँच जाओगे। आप यहीं से सीधा सीधा चले जाओ, जबलपुर पड़ेगा। जबलपुर से लेफ्ट ना लेके आप राइट मुड़ जाओ तो आप भोपाल पहुँच जाओगे। देखा कितनी आसान रोड है। अपन को बताओ कहाँ चलना है, किधर चल रहे हैं? इनके बीच से निकल जाएंगे ऐसे। वो अपन चलते हैं कहीं नहीं, अपन पेट्रोल भरवाते हैं। कितना मज़ा आता है सैडलिंग करने में, बेस्ट। सबसे ज़्यादा मज़ा अगर किसी चीज़ में आता है बाइक चलाने में, मतलब इस बाइक में, तो वो आता है सैडलिंग। इसमें इतना ऊपर हो जाते हैं कि ट्रक वालों को हाय करते हुए चले जाओ। अभी ये लोग यहाँ आएंगे, ये लोग पूछेंगे भाई ये कैमरा लगा इससे क्या होता है? अच्छा फ़ोटो खींचती है? मत बताओ यार, फ़ोटो तो नहीं खींचती होगी यार। खींचती है यार, अब कैसे बताएं। अरे मकड़ी अकड़ी निकल रही है, बाप रे। फुल कर देना, फुल करना। हाँ यार, मोड़ है कहाँ से यार गाड़ी? हाँ रॉन्ग साइड चलते। अरे ये तो है यार, यहाँ से कोई आ तो नहीं रहा। अरे बहुत दूर है, यहाँ से तो कोई नहीं आ रहा। अरे हाँ बहुत दूर है, वो भी बहुत दूर है, वो भी बहुत दूर है, वो भी बहुत दूर है। टट गाड़ी हो गई फुल, हम चले घर। इसमें ना मुझे एक कस्टमाइजेशन करवाना है, मतलब कस्टमाइजेशन मतलब एस्थेटिक मॉड है वो, सिर्फ समझते हो ना एस्थेटिक मॉड का मतलब, मतलब वो सिर्फ दिखने में अच्छी होएगी, मतलब कुछ परफॉर्मेंस के लिए नहीं है वो। दिखाऊं? आता नहीं ब्रो। इसमें मेरे को करवाना है ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला काला वाला, इसको हटवाना है मेरे को। और ये जो नंबर प्लेट है इसको इधर कहीं लगवा लूँगा। मन तो कर रहा है ये पूरा हटवाने को, फुल डर्ट बाइक जैसा लुक आएगा, बट वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि कटनी में रहता हूँ मैं और यहाँ पे कीचड़ हमेशा रहती है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी इलाके में। कौन कहता है आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए मजे करने के लिए, जैसे जीएस वीएस कुछ नहीं चाहिए मजे करने के लिए। करोगे क्या आप जीएस का? आप लो एक हिमालयन या फिर कोई सी भी डुअल स्पोर्ट, आप एक्सपल्स से भी मजे कर सकते हो। अरे मजे करने के लिए तो स्प्लेंडर से कर सकते हो, उसमें क्या है? It is not about the bike, it's about the experience. जैसे कि मैं इधर चला सकता हूँ, या आप स्प्लेंडर से नहीं कर सकते, कर सकते हो इतनी स्पीड में नहीं कर सकते। अगर मैंने कभी अपग्रेड करी एडवेंचर बाइक में तो मैं लूँगा अगर टेनेरे 700 अगर लॉन्च होगा इंडिया में तो वो लूँगा, या फिर अफ्रीका ट्विन। GS मुझे क्या अच्छी नहीं लगती है बहुत, वो बहुत भैंस जैसी बड़ी सी, इतनी मोटी सी गाड़ी लगती है, इतनी बड़ी सी, उतनी बड़ी अच्छी नहीं लगती मेरे को। हायाबूसा भी सिर्फ इसी वजह से अच्छी नहीं लगती, वो बहुत बड़ी सी लगती है गाड़ी।
शहर में हूँ मैं तेरे, आगे मुझे मिल तो ले, देना ना तू कुछ मगर आके मेरा दिल तो तू ले ले जाना। दिल तो तू ले ले जाना होता है कि बिल तो तू दे दे जाना होता है। अरे यार ऑफ रोडिंग करने चलते हैं, लेकिन क्या पूरे जूते वूते गंदे हो जाएंगे, वहाँ पे धूल बहुत है। आज रहने दो, कल फिर कभी, फिर कभी, फिर कभी। चिट्ठी डाली थी आऊँगा मैं तेरे घर, मेल भी किया था मैंने तेरी आईडी पर, फोन का भी होटल का भी बिल तो जरा नहीं, पता नहीं क्या रहता। छोड़ो यार, मेरे को समझ में नहीं आता ये लोग डेली ऑब्जर्वेशन वाले बना कैसे लेते होंगे। मुझे तो कोई दिखता ही नहीं है, मैं तो किसी को नोटिस ही नहीं करता। बस यही लोग है भाई, ये देखो आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लोग, दो लोग जा रहे हैं। अब इनसे पूछते हैं कि क्या पूछें यार, मिशन चौक कहाँ पर पड़ेगा, ठीक है आप इनसे ये पूछते हैं। सो खोल लो क्यों भैया, ये मिशन चौक कहाँ पर है? हाँ सीधा है, ठीक देख रहा आप सोशल इंटरेक्शन। अब पूछते अपन किसी से आगे चल के क्या पूछे यार, गर्ग चौक कहाँ पड़ेगा, तो इनको पता भी नहीं होगा। अपन इनसे पूछते हैं क्या पूछ सकते हैं, इससे पूछते हैं भैया चांडक चौक कहाँ पड़ेगा। क्यों भैया ये चांडक चौक कहाँ पड़ेगा? चांडक चौक आप सीधे जाओगे ओवर ब्रिज पड़ेगा, ओवर ब्रिज न चढ़ना, जाओगे बीचों बीच ऐसे रास्ता पड़ी उस साइड। चांडक चौक रोड ही में, रोड में ही है, स्कूल है वही है, वही है वो सागर पुलिया नखोगे ये नीचे जाके है, आप ओवर ब्रिज नहीं चढ़ना, उसी हाथ में सीधे चले जाना है, सागर पुलिया मिलेगी आपको, ठीक उसी के नीचे जाओगे, बस वो पुलिया न के हो चांडक चौक। चलो ठीक है, बिल्कुल सीधे ही जाना है आपको, ओवर ब्रिज देखेगा और बस उसी के बगल से सीधे चले जाना है, आपको पुलिया देखेगी मान लो वही चांडक चौक। ठीक ठीक है भैया, थैंक यू। भाई ने मुझे मिशन चौक का रास्ता बता दिया चांडक चौक के में। और हाँ नई रोड बना दी चच्चों ने, और हाँ ज्यादा पैसे आ गए क्या? आहा, फ्रेश 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 उसकी खुशबू, टार की टार, आहा सफेद 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 रोड हो रही है, बिल्कुल फ्रेश रोड बनी है। डुम्मा चाड़ी डुम्मा चाड़ी गर्मी कितनी हो रही यार। ये इनके लिए नहीं बना के रखा है ये रेड लाइट, रेड लाइट ये आम लोगों के लिए, वो बड़े लोग ऐसे निकल जाते हैं, आप थोड़े से भी आम हो तो आपको रुकना पड़ेगा। अरे हाँ यार नीचे से जाने में ना क्या मज़ा नहीं आता है मेरे को, मैं ऊपर ही उड़ता उड़ता ब्रिज के ऊपर से निकल जाता हूँ, नीचे से बहुत ही अजीब सा लगता है। अभी यहाँ पे अगर मेरे पास S1000 RR होती तो ब्रुम ब्रुम करता पूरा ब्रिज के नीचे गूंजता। ये सब क्या गोल्स है मेरे, ये करूँगा मैं, इसे लेके आऊँगा उसमें SC प्रोजेक्ट वाला एग्जॉस्ट लगा के वो, क्या मज़ा आएगा भाई, क्या मज़ा आएगा, सोचने में इतना मज़ा आ रहा है ना, जब तो जब सांस में होगी ऐसे पास में, ओफो कैसी हरी भरी गाड़ी है, इको फ्रेंडली है क्या, लॉल कॉमेडी राइड्स विद जैद, हा हा हा।